हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को पढ़ेंगे। ओके, आज हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है, मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उनको डिफाइन करेंगे। क्लियर? ये जो मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पार्ट बी है, सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के यूनिट फर्स्ट का सेकेंड लेक्चर है। ओके, इससे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन करके एक वीडियो देखे थे, उसमें हम लोग कुछ बेसिक टर्म वगैरह सीखे थे, बेसिक डेफिनेशन कुछ उसमें देखे थे। ठीक, आज ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे। ओके, और इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग अपने थ्योरम को स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? तो आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखा जाए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, तो पहले इस चीज़ को समझा जाए। तो देखिए, नेटवर्क मतलब क्या है, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो नेटवर्क मतलब क्या निकल के आएगा, ग्रुप मतलब समूह। ठीक, और आगे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो हैं उनका क्या एक समूह है, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहेंगे। ठीक, और पीछे हम लोग नेटवर्क को डिफाइन भी किए थे, तो वहाँ पे लिखे थे कि नेटवर्क इज अ कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड इन एनी मैनर। ठीक, क्या है ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कम्बिनेशन है, समूह है, जो किसी भी तरीके क्या किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हम लोग को समझ में आ गया। ठीक, नमूने के तौर पर एक यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाया भी हूँ, लिख दिया हूँ नीचे इसका नाम, फिगर और टिपिकल नेटवर्क। ठीक, जैसे आप सेल्फी वगैरह लेके स्टेटस लगाते हैं तो नीचे कैप्शन लिखते हैं ना कि यहाँ पर गया था, यहाँ सेल्फी ले रहा हूँ, वैसे क्या है, जब हम लोग फिगर लिखेंगे तो उसका क्या करेंगे, नाम भी लिखेंगे, ताकि पता चले कि फिगर किस चीज़ का है। ठीक, तो देखिए फिगर यहाँ बनाया है तो लिख दिए हैं और टिपिकल नेटवर्क। ठीक, नमूने के तौर पर एक यहाँ पर एक नेटवर्क क्या किया गया, बनाया गया। ठीक, अब देखिए जो सबसे पहला क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, हम लोग का ब्रांच होगा। ठीक, ये जो डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड बुक के डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए ब्रांच में मैं डेफिनेशन क्या लिखा हूँ, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज एंड हैविंग टू टर्मिनल फॉर कनेक्शन इज कॉल्ड अ ब्रांच। ठीक, लिखा गया कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मतलब क्या, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, या इसी को हम लोग सर्किट एलिमेंट भी कह सकते हैं, जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब। ठीक, जो क्या हो, कनेक्टेड हो, किसमें, सीरीज में, और क्या रखते हो, वो दो टर्मिनल लगते हो कनेक्शन के लिए, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। ठीक, तो ये तो मैं स्टैंडर्ड बुक का डेफिनेशन लिखवाया हूँ। ठीक, अगर आप लोकल राइटर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उसमें यह भी दिया होगा कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का हर एक एलिमेंट क्या होता है, ब्रांच होता है। ठीक, तो वो भी सही है और जो मैं लिखवा रहा हूँ ये भी सही है। ठीक, लेकिन मोर करेक्ट मैं इसी को मानूंगा। ठीक, उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे लोकल राइटर वगैरह हैं, उन लोग के अकॉर्डिंग क्या है, इसका जो हर एक एलिमेंट है, इस नेटवर्क का जो हर एक एलिमेंट है, जैसे ये रजिस्टर R1 C1, ये जितने भी एलिमेंट हैं, देखिए इसका नाम नहीं दिए हैं, इसको L2 तक हुआ है ना, L3, इसको L4 कह देते हैं, और इसको क्या कह देते हैं, C6 कह देते हैं। ठीक, तो देखिए जो लोकल बुक है उनके अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट, जैसे R1 हो गया, C1 हो गया, L4 हो गया, C4 हो गया, ये हर एक एलिमेंट क्या है, आपस में ब्रांच हैं। ठीक, क्लियर है चीज़। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऐसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जिनमें क्या हो, सेम करंट फ्लो होगा, मतलब जो सीरीज में रहेंगे उसको हम एक साथ क्या करते हैं, ब्रांच में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, जैसे देखिए अगर यहाँ से ए से बी तक अगर हम बात करें तो क्या होगा, जो करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट क्या होगा, इधर जाएगा। ठीक, जो करंट ऐसे जाएगा वही करंट यहाँ तक जाएगा, और फिर इसके बाद ये करंट क्या होगा, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए से बी तक क्या है, सेम करंट है इन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में, इस वजह से इन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का जो ये कॉम्बिनेशन है, जो इनका ग्रुप है, इनको हम क्या कर देंगे कि ये एक ब्रांच है, मतलब ए बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ब्रांच कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ए बी में क्या है, ए बी में क्या है, एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैं जो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमें सेम करंट क्या हो रही, फ्लो हो रही है, और आपको पता है कि सीरीज में क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है, पैरेलल करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक, तथा साथ ही साथ ये दो टर्मिनल रख रहे हैं किसके लिए, कनेक्शन के लिए। देखिए यहीं से कनेक्शन हुआ है और यहाँ से भी क्या आगे कनेक्शन हुआ, तो जब कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। ठीक, तो इस ए बी को एक ब्रांच हम लोग कह सकते हैं। ओके, और जो लोकल राइटर हैं वो लोग भी सही हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक ये R1 एक ब्रांच हो गया, C1 हो गया,
हो गया अलग अलग सबको एक एक ब्रांच करते हैं, तो वो लोग भी अपने जगह पे सही हैं। क्लियर? तो आपको कोई कंफ्यूज ना, आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना, इस वजह से हर एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं। ठीक, क्या कहे हैं, किसी किसी बुक में दिया रहेगा कि नेटवर्क का हर एक एलिमेंट क्या है, ब्रांच है। ठीक, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें क्या दिया है, ऐसे एलिमेंट जो सीरीज में कनेक्टेड हों, ठीक, और वो क्या रखते हो, दो टर्मिनल लगते हो कनेक्शन के लिए, उनको हम ब्रांच करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ए से बी तक अगर बात की जाती है, ये सब एलिमेंट क्या है, आपस में कनेक्टेड रहती है, क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एलिमेंट हो गए, जो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि इनमें सेम करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और दो टर्मिनल रख लें कनेक्शन के लिए, इस वजह से ए बी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। ठीक, ऐसे देखिए बी से एफ तक देखा जाए, तो जो करंट यहाँ से इंडक्टर से पास होगा, करंट कैपेसिटर से पास होगा, ये बी एफ भी क्या हो गया, आपका एक ब्रांच हो गया। क्लियर? ऐसे देखिए यहां से ये बी से सी तक देखा जाए, तो बी से सी तक भी क्या हो गया, एक ब्रांच हो गया। अब ये जो करंट आ रहा है, ये करंट क्या होगा, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी, ये जो करंट इधर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे यहां तक सेम करंट रहेगा, तो ये क्या हो गया, हम लोग का सी ई भी एक ब्रांच हो गया। ठीक, अब देखिए यहां से देखा जाए, जो करंट आ रहा है, ऐसे करंट यहां से भी जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, ऐसे यहां तक क्या होगा, सेम करंट आएगा, तो हम लोग सी डी को भी क्या कर सकते हैं, एक ब्रांच कर सकते हैं। देखिए क्या, ये एलिमेंट जो है सीरीज में कनेक्ट है, और ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो इनको हम लोग ब्रांच कर सकते हैं। ठीक, और सिंगल एलिमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, एज ए ब्रांच कंसीडर कर सकते हैं लोकल बुक के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ईडी होगा, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रांच कर सकते हैं। क्लियर? इस ईडी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रांच कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए जो करंट यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए ये करंट आ रहा था, यहाँ तक करंट आया, तो एक करंट इधर, एक करंट ऐसे क्या होगा, मुड़ जाएगा। अब ये जो करंट आएगा, ऐसे यहाँ पे आया, और फिर क्या होगा, ऐसे ये दोनों करंट सम होकर इधर आ जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो करंट यहाँ से ऐसे आ रहा है, इस इंडक्टर से पास कर रहा है, ऐसे पास करते हुए यहाँ तक क्या है, सेम करंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये डी ए चाहे ए डी भी क्या होगा, एक ब्रांच होगा। क्लियर? बात समझ गए ना आप लोग, क्या कहे हैं, लोकल बुक के अकॉर्डिंग। ठीक, क्या है, सीरीज का क्या है, हर एक एलिमेंट नेटवर्क का क्या है, आपका एक ब्रांच है। ठीक, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक वगैरह है, वो लोग क्या कहे हैं कि सीरीज का ग्रुप ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब अगर क्या है, जो एलिमेंट जो सीरीज में कनेक्टेड हैं, उनका जो ग्रुप है, जो क्या कर रहे हैं, दो टर्मिनल रख रहे हैं कनेक्शन के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है, ये जो सोर्स है और R1 C1, इनमें से क्या है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इनमें सेम करंट पास हो रहा है, इस वजह से इनको हम सीरीज में कहेंगे कनेक्टेड है, और क्या है, एक से ज़्यादा एलिमेंट है, इस वजह से इसको हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ कनेक्शन हुआ है और यहाँ कनेक्शन हुआ, मतलब ये दो टर्मिनल भी रखना है कनेक्शन के लिए। टर्मिनल मतलब क्या, कनेक्टिंग पॉइंट जहाँ से कनेक्शन किया जाता है। ठीक, तो इस वजह से ए बी को एक ब्रांच हम लोग कह दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ से करंट क्या हो गया, एक करंट इधर आ रहा है, एक करंट इधर जा रहा है। ठीक, तो मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम करंट है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग कि ये क्या है, आपका जो बी एफ है वो भी क्या है, एक ब्रांच है। ठीक, इसी तरीके से जो करंट इधर जा रहा है वो यहाँ तक सेम है, इस वजह से हम लोग बी सी को भी एक ब्रांच कर सकते हैं। अब सी से ई तक क्या है, सेम करंट है, इस वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग एक ब्रांच कहेंगे। एक कनेक्शन यहाँ हुआ, एक कनेक्शन यहाँ हुआ, मतलब दो टर्मिनल है, इस वजह से सी क्या हो गया, आपका ब्रांच हो गया। ठीक, अब देखिए क्या होगा, जो करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट ऐसे आ रहा है। ठीक, ये दोनों क्या होंगे, ये जो करंट निकला ऐसे निकला, तो ये क्या होगा, ई एफ भी एक ब्रांच होगा, और इधर करंट जाएगा ऐसे जाएगा, ये फिर क्या होगा, ऐसे इधर चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए भी क्या होगा, एक ब्रांच होगा। क्लियर ना, समझ गए ना? और देखिए यहां पे क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है, तो लोकल बुक के अकॉर्डिंग सिंगल एलिमेंट में क्या हो सकते हैं, आपके लोकल बुक के कारण क्या, ये सिंगल एलिमेंट में आपके ब्रांच हो सकते हैं, मतलब हम इस ईडी को भी एक ब्रांच कर सकते हैं, या सिंपली आप ऐसे मान सकते हैं कि इसमें क्या है, जो बाकी एलिमेंट हैं उनका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो। जैसे मान लीजिए ये इंडक्टर है, इसका वैल्यू क्या है, एल जीरो है। ठीक, ऐसे करके ये क्या रजिस्टर है, तब भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, दो हैं, लेकिन इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर जीरो, कोई असर नहीं कर रहा है। क्लियर ना? तो इस तरह आप समझ सकते हैं, या सिंपली अगर इसे डाउट हो रहा हो तो आप सिंपली ऐसे समझिए, यहाँ पर आप लोकल बुक को भी रेफर कर सकते हैं कि क्या एक सिंगल एलिमेंट है, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको भी ब्रांच कर सकते हैं। ठीक, ये ईडी भी क्या है, ब्रांच है। क्लियर हुआ चीज? तो देखिए एग्जांपल क्या लिखे हैं, ए बी, ए एफ, ए डी, ई डी और सी डी, ये सब क्या है, आपके एक ब्रांच है। क्लियर हुआ ना, बात क्लियर है ना? अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं, नोड की बात करेंगे। ठीक, तो अब कोई अगर आपसे ब्रांच कहेगा तो समझ जाएंगे ना, ब्रांच किसको कहेंगे, जो क्या हो, कनेक्शन क्या हो, ग्रुप हो किसका, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का, जो सीरीज में कनेक्टेड हो। कैसे पहचानेंगे सीरीज में, उनमें सेम करंट फ्लो करे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इंटर पड़े ना, तो जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट सीरीज में रहेंगे, सेम करंट फ्लो करेगा, और दो टर्मिनल रखेंगे कनेक्शन के लिए, तो उनको हम क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। क्लियर, क्लियर ना? यहाँ आपको डाउट हो रहा होगा तो बताया ना, कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ इंडक्टर है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है, एल जीरो, तो कोई असर उसर नहीं करने वाला है। ठीक, एनर्जी क्या करेगा, स्टोर नहीं करेगा, तो उसको हम क्या किए, सिंपली ऐसे क्या किए, दिखा दिए।
क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़े ना, ठीक है। अब देखिए क्या लिखे हैं, अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखे हैं नोड। नोड क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि नोड इज अ पॉइंट इन अ सर्किट आर नेटवर्क एट विच एट लीस्ट टू एक्टिव ओआर आर पैसिव आर ज्वाइन। ठीक, लिखे हैं कि नोड क्या है, एक पॉइंट है सर्किट में या नेटवर्क में। ठीक, तो देखिए क्या बताया था उस दिन कि हर एक सर्किट क्या होता है, नेटवर्क होता है। ठीक, और सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होता है। तो देखिए ये जो हम लोग नेटवर्क बनाए हैं क्या है, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है, इसका मतलब ये नेटवर्क क्या है हम लोग का, सर्किट भी है। तो हम लोग इसको सर्किट भी कह सकते हैं या नेटवर्क भी कह सकते हैं। ठीक, तो वही लिखा है कि नोड इज अ कंडक्टिंग पाथ, सॉरी नोड इज अ पॉइंट इन अ सर्किट आर नेटवर्क। ठीक, ये सर्किट भी है या नेटवर्क भी है। तो हम कह रहे हैं कि नोड इस सर्किट या नेटवर्क में पॉइंट है एट विच, जिस पर एट लीस्ट कम से कम टू मतलब तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, छः हो सकते हैं। ठीक, तो एटलीस्ट टू एक्टिव आर पैसिव। अब एक्टिव आर पैसिव क्या होता है, इसको पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो यहाँ सोच रहे ओहो ये तो लग रहा है एक्टिव और पैसिव वाइस जो हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ के आ रहे हैं, तो वो नहीं है। ये एक्टिव और पैसिव एलिमेंट है, ये एनर्जी देता है, ये एनर्जी खाता है। ठीक, तो क्या है, एक्टिव और पैसिव आर ज्वाइंट। ओके, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में या सर्किट में नोड वो पॉइंट होता है जिस पर दो या दो से ज़्यादा एक्टिव या पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। तो देखिए अगर पॉइंट ए की बात की जाए तो इस पॉइंट पे क्या है, एक इधर, ये क्या है पैसिव सॉरी एक्टिव एलिमेंट है क्योंकि एनर्जी देगा, ज्वाइंट है इस पर। फिर क्या है, इधर ये सब ज्वाइंट है, फिर इधर क्या है, ये ज्वाइंट है। ठीक, तो इधर क्या है पैसिव एलिमेंट इस पॉइंट पे ज्वाइंट है, और इधर क्या है ये एक्टिव एलिमेंट ज्वाइंट है, मतलब ए क्या होगा आपका एक नोड होगा। ठीक, क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा कनेक्शन है, कम से कम दो रहना चाहिए। ओके, ऐसे ही बी की बात की जाए, एक कनेक्शन इधर है, एक कनेक्शन इधर, एक कनेक्शन इधर है, तो बी भी क्या आपका नोड है। ऐसे सी की बात किया जाए तो सी भी क्या आपका नोड है, एक इधर कनेक्शन इधर इधर मतलब इधर भी है। ठीक, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये सब क्या आपके एक नोड पॉइंट है। तो वही देखिए लिखा गया कि पॉइंट ए बी सी डी एफ ये सब क्या आपके एक नोड पॉइंट है। क्लियर ना, ऐसे पॉइंट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव एलिमेंट क्या होते हो, कनेक्टेड होते हो। क्लियर, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखे हैं, जंक्शन लिखे हैं। तो लिखे हैं कि इट इज अ पॉइंट इन सर्किट आर नेटवर्क एट विच एट लीस्ट थ्री इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ब्रैकेट में क्या लिखा गया, एक्टिव आर पैसिव आर ज्वाइंट। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, जंक्शन किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या सर्किट में वो पॉइंट होता है जिस पर कम से कम तीन एक्टिव या पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होते हों, ज्वाइंट होते हों, ठीक कनेक्टेड होते हों। ओके, तो देखिए यहाँ समझिएगा, ये देखिए पॉइंट ए जो है ये आपका क्या है, जंक्शन है क्योंकि तीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड हैं। ऐसे यह भी क्या है, जंक्शन है, तीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड हैं। बी भी क्या है, जंक्शन है, तीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड हैं। ठीक, तो ऐसे जो हर एक पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है, जंक्शन है आपका। ठीक, अगर दो कनेक्टेड रहेगा तो उसको नोड कहेंगे, दो से ज़्यादा रहेगा तब भी उसको नोड कह सकते हैं, लेकिन जंक्शन के लिए कम से कम तीन पॉइंट कनेक्टेड होने चाहिए, कम से कम तीन एलिमेंट कनेक्टेड रहने चाहिए उस पॉइंट पर जंक्शन के लिए। ठीक, देखिए जैसे एक अलग से सर्किट में बना रहा हूँ समझाने के लिए जंक्शन और नोड को, मान लीजिए कुछ ऐसा हम लोग का सर्किट है, ये कुछ हम लोग का ऐसा सर्किट है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, चलिए थोड़ा सा आगे इसको और जोड़ देते हैं, इसको आगे क्या कर देना है, और जोड़ देना है। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो एक नोड आपका ये है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या तीन एलिमेंट क्या है आपस में कनेक्टेड है। ठीक, तो ये क्या है, एक नोड ये हो गया, तो इसको ये N1 कह दे रहे हैं। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, एक नोड ये है, इसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं, N2 कह दे रहे हैं। फिर एक नोड ये होगा, इसको हम लोग N3 कह दे रहे हैं, और एक नोड ये होगा, इसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं, N4 कह दे रहे हैं। ठीक, ये क्या हो गया, इसमें चार नोड हो गए। क्लियर, इसको हम क्या कह दे रहे हैं, चार नोड, बस समझाने के लिए जस्ट आपको। ठीक, अब देखिए जंक्शन का अगर बात किया जाए तो क्या होगा, जंक्शन का बात किया जाए तो क्या होगा, अब देखिए पहले इस चीज़ को और समझ लीजिए। यहाँ देखिए जो करंट ऐसे इधर जा रहा है, दो पार्ट में बढ़ जा रहा है। ठीक, ये क्या हो रहा है, दो पार्ट में ऐसे करंट बढ़ रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ठीक, ऐसे क्या है, इधर से करंट ऐसे जा रहा है, ये भी क्या होगा, आपस में डिवाइड होकर होगा। ठीक, बस आपको समझाने के लिए जंक्शन और नोड को ये सर्किट में कंसिडर किया हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इस पॉइंट का बात किया जाए तो इस पर क्या है, केवल दो ही आपके क्या हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड है, इस वजह से ये वाला पॉइंट केवल नोड पॉइंट होगा, ये जंक्शन नहीं होगा, ये जंक्शन नहीं होगा।
ठीक, ये जंक्शन नहीं होगा। लेकिन इस वाले पॉइंट को देखा जाए तो इस पर क्या है, एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये नोड होगा, साथ ही साथ क्या होगा, जंक्शन होगा, क्योंकि नोड के लिए कम से कम दो रहने चाहिए और जंक्शन के लिए कम से कम थ्री रहने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस पर क्या है, चार है तो दो से ज़्यादा हैं, और इसमें भी क्या है, तीन से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये जंक्शन और नोड दोनों है। लेकिन ये पॉइंट क्या है, बस दो ही इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कनेक्शन रख रहा है। इस वजह से क्या है, ये बस आपका नोड है, जंक्शन नहीं है, क्योंकि जंक्शन के लिए कम से कम तीन पॉइंट रहने चाहिए कनेक्टेड। ठीक, तो देखिए यहाँ एग्जांपल में लिख दिया है कि पॉइंट बी ए एफ ई ये सब क्या है, आगे से ईटीसी वगैरह चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक, ये सब क्या है, आपके जंक्शन पॉइंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, अगर मैथ की भाषा में आप समझें, नोड के लिए क्या होना चाहिए, नोड के लिए कम से कम दो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, ऐसे आगे हो सकते हैं। ठीक, और जंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जंक्शन के लिए कम से कम तीन रहना चाहिए, चार रहना चाहिए, पाँच छः ऐसे आगे हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए साफ साफ लग रहा है, अगर मैथ की लैंग्वेज में देखा जाए कि जो जंक्शन है वो क्या है, नोड का सबसेट है। मतलब हर एक जंक्शन क्या होगा, नोड होगा, लेकिन हर एक नोड जंक्शन नहीं होगा। अगर हम ये टू उठा लें, टू पॉइंट का कनेक्शन, तो जंक्शन नहीं कहलाएगा, बस नोड ही कहलाएगा। ठीक, तो इसका मतलब हर एक नोड जंक्शन नहीं होगा, लेकिन हर एक जंक्शन क्या होगा, नोड होगा। इसका मतलब जंक्शन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, नोड का। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, ये वाला नोड जो है ये जंक्शन नहीं है, लेकिन ये वाला नोड जंक्शन है। इसका मतलब हर एक नोड जंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर एक जंक्शन नोड है। ये देखिए जंक्शन नोड है, ऐसे ये भी क्या, तीन एलिमेंट कनेक्शन है, तो नोड भी है, जंक्शन भी है, तो ये भी जंक्शन नोड है। ठीक, इसका मतलब क्या, जंक्शन इज द सबसेट ऑफ नोड, मीन्स व्हाट, जंक्शन जो होगा हर एक जंक्शन वो नोड होगा, लेकिन हर एक नोड जंक्शन नहीं होगा। ठीक, अब उसको हम लोग आगे लिखेंगे। क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना? ओके, देखिए स्टूडेंट, अब स्टार बना के लिख दिए हैं कि अ जंक्शन मस्ट बी अ नोड, लिखे हैं कि जो जंक्शन है वो निश्चित रूप से क्या होगा, एक नोड भी होगा, बट लेकिन अ नोड मे आर मे नॉट बी अ जंक्शन, लेकिन नोड जो है वो जंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, पीछे इस चीज़ को हम लोग समझ लिए हैं। ठीक ना, तो अब देखिए आगे क्या लिखे हैं, अगला क्वांटिटी लिखे हैं कि लूप। ठीक, तो ये क्या होगा, तो लिखें अ सेट ऑफ ब्रांचेस फॉर्मिंग अ क्लोज्ड पाथ इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। ठीक, तो लिखें कि जो ब्रांच का सेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्लोज पाथ बनाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। ठीक, तो देखिए एक ब्रांच क्या है, ए बी है, दूसरा क्या है, बी एफ है, तीसरा क्या है, एफ है, ये क्या कर रहा है, एक लूप बना रहा है, मतलब एक लूप हम लोग का ये हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी सी एक ब्रांच, सी ई एक ब्रांच, और ई एफ एक ब्रांच, एक लूप हम लोग का ये हो गया। ठीक, अब सिमिलरली इसी तरह देखिए, ए बी एक ब्रांच, बी सी एक ब्रांच, सी ई एक ब्रांच, ई एफ एक ब्रांच, और एफ ए एक ब्रांच। ठीक, इतने सारे ब्रांच मिलकर क्या कर रहे हैं, एक क्लोज पाथ बना रहे हैं। ठीक, तो क्या हो गया, एक लूप ये हो गया हम लोग का, एक पहला लूप, दूसरा लूप इसको कह दिए, ये जो बड़ा वाला था इसको तीसरा लूप कह दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए क्या है, सी डी एक ब्रांच, ई डी एक ब्रांच, और ये सी ई एक ब्रांच, तो एक लूप क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, चौथा लूप कर दिए। अब देखिए क्या है, ये क्लोज पाथ है ना, चौथा लूप हो गया। अब देखिए क्या है, ए एफ एक ब्रांच है, एफ ई दूसरा ब्रांच, ई डी तीसरा ब्रांच, और डी ए चौथा ब्रांच, ये चारों ब्रांच का जो सेट है वो मिलकर क्या बना रहा है, इस सर्किट में एक पाँचवा लूप बना रहा है। क्लियर, इस सर्किट में क्या कर रहा है, एक पाँचवा लूप बना रहा है। ऐसे ही देखिए अगर हम क्या कर लें, ए बी बी सी सी डी और डी ए को ले लें, तो क्या कह सकते हैं, एक बड़ा सा लूप हम लोग का ये बन रहा है, छठा लूप इसको कह सकते हैं। कि क्या आ रहा है, एक क्लोज पाथ ये बड़ा सा बन रहा है, जो ए बी बी सी सी डी और डी ए ब्रांच मिलकर बना रहे हैं। ठीक, तो ये सब जो क्लोज पाथ है ये क्या होगा, आपका लूप होगा। ये सब जो क्लोज पाथ हैं ये सब क्या होंगे, लूप होंगे। क्लियर ना, तो देखिए लिखे हैं एग्जांपल में, ए बी एफ ए, ए बी सी ई एफ ए, ठीक, ए बी एफ ए, ए बी सी ई एफ ए, ठीक, ये सब क्या है आपके, एक क्लोज पाथ है, तो ये सब क्या है, लूप है। फिर क्या लिखे, ए बी सी डी ई ए, ए बी सी, फिर क्या लिखे, ए बी सी डी ए, ए बी सी, और यहाँ पे क्या लिखे, डी ए, ठीक, ये एक बड़ा वाला हो गया। ठीक, ऐसे तमाम ये सब क्या है आपके, लूप इसमें बने हुए हैं। क्लियर हुआ चिन्ह, ऐसे तमाम लूप इसमें क्या है, बने हुए। ठीक, ऐसे एक सेट और ले सकते हैं यहाँ से, ऐसे देखिए क्या ले सकते हैं,
बी सी फिर क्या ले सकते हैं, सी डी फिर क्या ले सकते हैं, डी ई और ऐसे ई एफ और एफ बी, मतलब एक ऐसे आप इसको भी क्लोज पाथ ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, ये जो होगा ऐसे इसको एक क्लोज पाथ ये वाला, यहाँ से एफ बी, ठीक, ऐसे इधर, फिर ऐसे यहाँ पे इधर, ऐसे इधर और यहाँ से ऐसे ले आके एक क्लोज पाथ इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे जो भी क्लोज पाथ होंगे उनको हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। क्लियर हुआ चीज़। अब देखिए क्या लिखें, फिर आगे मेश लिखें। ठीक, तो मेश किसको कहेंगे ये देखा जाएगा, मेश क्या होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि अ लूप विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लूप इज कॉल्ड मेश। ठीक, तो देखिए अगर देखा जाए ये जो पहला पॉइंट है ये क्या है, ये जो पहला यहाँ लिखे हैं ये क्या है, एक लूप है ए बी एफ ए। ठीक, इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे कि ये हम लोग का क्या है, मेस भी है, ये क्या हम लोग का मेस है। ठीक, लेकिन अगर दूसरे लूप की बात की जाए जो क्या है ए बी बी सी सी ई ई एफ और एफ ए है, मतलब ये जो बड़ा वाला बना हुआ है ये क्या हो रहा है, दो लूप में डिवाइड हो जा रहा है, एक क्या है ये पोर्शन, एक क्या है ए पोर्शन, मतलब ये क्या होगा हम लोग का, मेस नहीं होगा। बात समझ में आया, देखिए फिर से समझाते हैं, लिखे हैं कि वो लूप जो क्या हो डिवाइड ना हो किसमें, स्मॉलर लूप में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेस कहेंगे। ठीक, तो देखिए एक मेस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी एफ ए, एक मेस ये लिख लिया एग्जाम्पल समझाने के लिए, और एक मेस ले ले रहा हूँ ए बी और यहाँ पे क्या है सी और यहाँ पे क्या है ई, फिर इधर क्या है एफ और फिर इधर क्या है ए। ठीक, ये देखिए दो में, दो लूप में कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए जो ए बी एफ ए वाला लूप है इसको, ये देखिए क्या है, छोटा है अपने आप में, ये कहीं से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस लूप को हम लोग क्या कहेंगे, मेस कहेंगे। ठीक, लेकिन देखिए जो ये वाला लूप है हम लोग का, कौन सा ए बी सी ई एफ ए, ये क्या हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये बी एफ ब्रांच जो है ये क्या कर रहा है, इस बड़े वाले लूप को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बस लूप होगा, मेस नहीं होगा, क्योंकि आगे ये डिवाइड हो जा रहा है, ये दो क्लोज पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे, मेस नहीं कहेंगे। ठीक, मेस का एक डेफिनेशन और भी लिखे हैं, अ मेस इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट विच डज नॉट कंटेन एनी क्लोज पाथ इन साइड इट। ठीक, तो देखिए ये जो ए बी एफ ए वाला था ये क्या है, क्लोज पाथ है, इसके अंदर किसी भी तरीके का क्लोज पाथ नहीं आ रहा है, इस वजह से ये लूप क्या है, मेस भी है। लेकिन ये जो बड़ा वाला लूप हम लोग लूप देखे हैं ए बी सी ई एफ ए, इसके अंदर दो क्लोज पाथ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो बड़ा लूप है ये मेस नहीं है। क्लियर ना, क्लियर। इसका हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा, हर एक मेस जो होगा वो लूप होगा, लेकिन हर एक लूप क्या होगा, मेस नहीं होगा। ठीक, तो देखिए पहले एग्जांपल देख लीजिए, क्या लिखे हैं ए बी एफ ए। ठीक, ए बी एफ ए, ये क्या है आप लोग का एक मेस है। ठीक, फिर क्या लिखे हैं ए बी ई डी ए, अब देखिए क्या लिखे हैं ए एफ ई डी ए एफ ई डी ए। ठीक, इसमें देखिए क्या है, कोई इसके अंदर क्लोज पाथ नहीं, इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा रहा, इसका मतलब ये भी हम लोग का मेस है। फिर क्या लिखे हैं बी सी ई एफ बी, बी सी ई एफ बी, ये भी क्या हम लोग का, ये डिब्बा भी क्या है, एक मेस है। ठीक, ऐसे इधर भी देख सकते हैं ई सी डी ई, ये भी क्या है आपका, एक मेस है। ठीक, क्लियर है चिन्ना। तो क्या होगा, मेस वो क्लोज पाथ होगा जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, या सबसे स्मॉलेस्ट लूप को हम लोग क्या कहते हैं, मेस कहते हैं। ठीक, या वो लूप जिसको आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेस कहेंगे। ठीक, तो जैसे एग्जांपल तौर पर हम लोग समझे कि ये क्या एक मेस है, लेकिन ये जो पूरा है ये एक मेस नहीं है, क्योंकि ये जो क्लोज पाथ है ये दो पार्ट में क्या हो जा रहा है, इसके द्वारा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, इस वजह से ये बस लूप है, ये मेस नहीं, लेकिन नीचे वाला ये भी क्या आपका मेस है, क्योंकि आगे ये क्या हो रहा है, ये जो लूप है ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, इस वजह से इस लूप को हम कह सकते हैं, मिस कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर अंचिन, क्लियर हुआ चीज। तो देखिए लूप में क्या है, लूप में बड़ा और छोटा कोई भी पार्ट आ रहा है। ठीक, लूप क्या है, ये बड़ा पार्ट भी है लूप में, छोटा पार्ट भी है। ठीक, लेकिन मेस क्या है, मेस बस क्या आपका छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके अंदर किसी तरीके का डिवीजन नहीं आना चाहिए। जो आपका क्या है, जो लूप है वो क्या है, लूप के अंदर डिवीजन वगैरह क्या है आ सकता है, मतलब वो आगे डिवाइड हो सकता है, लेकिन जो मेस है आपका वो क्या सबसे स्मॉलेस्ट है, ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, ये आगे क्या है, डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक, तो देखिए साफ साफ लग रहा है कि क्या ये भी मेस है। देखिए ऐसे समझिए, ये लूप है, ये लूप है, लेकिन ये मेस है, ये मेस नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो मेस है वो डेफिनेटली क्या होगा, लूप होगा, लेकिन हर एक लूप क्या होगा, मेस नहीं होगा।
बात समझ में आया, हर एक लूप जो होगा आपका मेस नहीं होगा, लेकिन हर एक मेस क्या होगा, लूप होगा, क्योंकि मेस जो है लूप का ही छोटा बच्चा है, मेस जो है वो लूप का ही छोटा बच्चा है, ठीक। तो क्या हम कह सकते हैं कि हर एक मेस लूप होगा लेकिन हर एक लूप जो होगा वो मेस नहीं होगा, ठीक। तो देखिए लिख दिए हैं कि ऑल द मेस आर लूप बट नॉट ऑल द लूप्स आर मेस, लेकिन हर एक लूप मेस नहीं होंगे, ठीक। क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि देखिए ये जो मेस है ये क्या आगे डिवाइड, ये जो लूप है ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा तब इसको हम मेस कह रहे हैं, ठीक। लेकिन ये जो बड़ा वाला लूप है ये क्या हो रहा, आगे डिवाइड हो जा रहा है, इसको हम लोग इस वजह से मेस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लूप ये बड़ा वाला पोर्शन क्या है, लूप है, लेकिन बड़ा वाला पोर्शन मेस नहीं है। इसका हम लोग कह सकते हैं कि हर एक जो मेस होगा वो लूप होगा लेकिन हर एक लूप मेस नहीं होगा, क्लियर। अगर किसी तरीके का डाउट होता हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पर आप कमेंट करके इन सब चीज़ों को पूछ सकते हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, क्लियर। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। क्या क्या हम लोग सीखे कि हर एक जंक्शन नोड होगा लेकिन हर एक नोड जंक्शन नहीं होगा, हर एक मेस लूप होगा लेकिन हर एक लूप मेस नहीं होगा, ये सब चीज़ें आज हम लोग सीख लिए हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए और अपना वैल्यूबल फीडबैक भी देते रहिए, ठीक। जितना ही अच्छा आपका फीडबैक आएगा उतना ही अच्छा आपको लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।